हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले UPSI के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर आंसर की इसका जारी हो चुका है फ्रेंड, तो इसी के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड वीडियो में बिना देरी किए हुए कि इसका आंसर की अभी जारी हुआ है, कब जारी हुआ है और कितना किसका है, तो किस लिंक से आप लोग जाके देख सकते हैं, तो सारा चीज़ इसमें बात करेंगे हम लोग फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड द प्रमोशन बोर्ड ऑफ UPRRB दरोगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं दरोगा का आंसर की। तो पहले डेट के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड, कब दिया फ्रेंड। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर SI रिक्वायरमेंट 2021 आंसर की एंड ऑब्जेक्शन लिंक 49534 पोस्ट। तो जी हाँ फ्रेंड, और इसका डेट का बात करते हैं तो पोस्ट डेट जो है ये 10 तारीख को इसका जो आंसर की है वो मतलब आंसर की इसका आया है, आंसर की रिलीज किया गया। उसके बाद देखते हैं फिर 10 तारीख 3:16 पे UPSI का जो आंसर की वो आया था फ्रेंड। उसके बाद चलिए देखते हैं और भी डेट के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे फ्रेंड। तो इसमें दिया है फ्रेंड इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन बिगन 1/4/2021, तो एक अप्रैल को इसका जो फॉर्म फिलअप हुआ था फ्रेंड। उसके बाद लास्ट डेट जो अप्लाई करने का था वो 15 जून तक इसका डेट था फ्रेंड। और लास्ट डेट जो एग्ज़ाम का फी पे करने का था वो 1/7 तक था फ्रेंड। उसके बाद फिर इसमें दिया है फ्रेंड एग्ज़ाम डेट 12/11/2021 से लेके 2/12/2021 तक, यानी अभी 2 दिसंबर तक था, और अभी 10 दिसंबर को इसका जो है वो आंसर की रिलीज हो चुका है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं उस विषय में। और एडमिट कार्ड जो इसका अवेलेबल हुआ था, जिसका भी जिस डेट को एग्ज़ाम था उससे 3 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था फ्रेंड, और की जो है आंसर की वो 10 तारीख को अवेलेबल कर दिया गया है फ्रेंड। तो आप लोग जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, या तो फिर sarkaririzult.com से जाके देख सकते हैं फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।